सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए एक प्रॉपर एनालिसिस करके बताऊंगा कि आज पूरे दिन में कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है सीबीएसई क्लास 12 के बच्चों के लिए और एग्जाम कैंसिल पे क्या माहौल है, एग्जाम होने के क्या चांसेस है, मतलब पूरे एक प्रॉपर एनालिसिस करके बताऊंगा। तो अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ से। अच्छी न्यूज़ आज सभी के लिए ये है कि इंडिया के अंदर अब केसेस भी कम हो रहे हैं, साथ में जो डेथ रेट है वो भी कम हो रही है। तो मतलब कह सकते थोड़ा बहुत डॉक्टर्स ने अब थोड़ा कंट्रोल में किया है। अगर मैं बात करूँ दूसरी गुड न्यूज़ की, दूसरी गुड न्यूज़ आप सभी के लिए ये है कि आज फिर से हैशटैग ट्रेंड किया, बच्चों ने अपनी बात रखी है। तीसरी गुड न्यूज़ आप सभी के लिए ये है कि SFI ने, जो स्टूडेंट की यूनियन है SFI, उन्होंने भी अपनी प्रॉब्लम बच्चों के थ्रू हमारे प्राइम मिनिस्टर को और जो हमारे डॉक्टर आरपी निशंक है उनको लेटर लिख के बताई है और बोला है कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए। काफ़ी सारी जो स्टूडेंट की यूनियन है वो बच्चों को काफ़ी सपोर्ट कर रही है। अगर मैं बात करूँ चौथी गुड न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो चौथी गुड न्यूज़ आप सभी के लिए ये है कि आज से फिर से, मतलब इतने दिनों से तो ये लोग मीडिया वाले कह रहे थे कि बच्चों के एग्ज़ाम हो सकते हैं 15 जुलाई से अगस्त तक, लेकिन अब इन्होंने वापस से चेंज कर लिया अपना मूड। अब ये लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल की डिमांड बढ़ रही है तो हो सकता है एग्ज़ाम कैंसिल भी हो जाए। काफ़ी सारी मीडिया एजेंसी ये अब न्यूज़ दे रही, तो ये लोग मिनट में बदल जाते। मैंने आपको बात पहले भी बोली थी। अगर मैं बात करूँ पांचवी गुड न्यूज़ की तो पांचवी गुड न्यूज़ आप सभी के लिए ये है कि फाइनली PM मीटिंग करेंगे डॉक्टर आरपी निशंक के साथ में 28 मई को और उसी मीटिंग में उम्मीद है आपको फैसला मिल जाए। तो ये पांचवी गुड न्यूज़ आज की सबसे इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ है और इन गुड न्यूज़ से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। अगर मैं बात करूँ बैड न्यूज़ की तो पहली बैड न्यूज़ ये है कि इंडिया के अंदर ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, इनके केस बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की डेथ भी इनसे होने स्टार्ट हो गई, तो ये काफ़ी ख़राब न्यूज़ है। अगर मैं दूसरी बैड न्यूज़ की बात करूँ तो दूसरी बैड न्यूज़ ये है कि हाईकोर्ट के अंदर एक और PIL फाइल हो गई है CBSE एग्जाम कैंसिल ना हो उसके लिए। अगर मैं तीसरी बैड न्यूज़ की बात करूँ, तीसरी बैड न्यूज़ ये है स्टूडेंट्स के अंदर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, एंजाइटी बढ़ती जा रही है बच्चों पे, मेंटल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से काफ़ी सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जैसे ही CBSE ने जो मीटिंग करी उसके बाद में काफ़ी सारे बच्चों ने, मतलब दिमाग में बच्चों काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है, मतलब दिमाग में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसी को देखते हुए CBSE को फैसला दे देना चाहिए, इंडिया टुडे जो एजेंसी उन्होंने बोला। तो तीन बैड न्यूज़ ख़राब है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी ख़राब न्यूज़ है ये सारी तीन की तीन। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जो हाईकोर्ट की बात मैंने बोली है वो हाईकोर्ट वाली PIL रिजेक्ट भी हो सकती है, हो सकता है उसको रिजेक्ट भी कर दे, तो अभी तक वो हाईकोर्ट वाली बात फाइनल नहीं है। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, बस वेट करो 28 तक का, 28 को फाइनल पता लग जाएगा। 28 और 29 दो डेट्स है, इन दोनों डेट्स में आपको फाइनल हो जाएगा सब कुछ। तो आज के पूरे दिन का एनालिसिस यही है, एग्जाम कैंसिल होने की उतनी ही उम्मीदें अभी भी जाग रही है सभी के मन में जब तक फाइनल डिसीजन ना आए। तो इतना ही कहूँगा कि स्टडी भी साथ में चालू रखो और साथ में वेट भी करो डिसीजन का। मैं प्रे करता हूँ कि आप सभी जो सोच रहे हो, जैसा आप डिसीजन आपको उम्मीद है वैसे ही आपको डिसीजन मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप सभी को जय हिंद।